उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार सवार बदमाशों द्वारा झोला छाप डॉक्टर के अपहरण करने से इलाके में हड़कंप मच गया। किडनैपर्स डॉक्टर को लेकर फरार हो गए। आपको बता दें कि गाड़ी से आए किडनैपर्स पुलिस की वर्दी पहन डॉक्टर को गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। डॉक्टर के परिजनों ने जब देखा तो परिजनों ने बचाव के लिए आए तो तब तक अपहरणकर्ताओं ने डॉक्टर को अपनी कार में डाल लिया। डॉक्टर की लड़की की सूझबूझ के चलते किडनैपर्स की कार का नंबर मोबाइल में कैद कर लिया गया। डॉक्टर के परिजनों ने आनंद फानन में 112 नंबर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। पूरा मामला अमरोहा जनपद के थाना अमरोहा देहात इलाके के कैलसा कस्बे का है। पीके विश्वास सोनी क्लिनिक के नाम का क्लिनिक चलाता है। मंगलवार की रात को करीब 8:30 बजे उसके क्लिनिक के बाहर आकर एक कार रुकती है। उसमें एक बदमाश पुलिस की वर्दी में आकर डॉक्टर को बोलता है कि साहब कार में बैठे हैं, आपको बुला रहे हैं। कार में बैठे बदमाश डॉक्टर को गाड़ी में बात करने के दौरान खींच लेते हैं और डॉक्टर का अपहरण कर फरार हो जाते हैं। डॉक्टर की पत्नी की माने तो वह पूरी घटनाक्रम को घर की छत पर खड़ी होकर देख रही थी। वह अपने पति को बचाने के लिए घर की छत से नीचे उतर रही थी, तब तक बदमाश झोला छाप डॉक्टर का अपहरण कर ले गए, जिससे इलाके में हड़कंप मचा है। वहीं डॉक्टर की लड़की ने किडनैपर्स की कार का नंबर मोबाइल में कैद कर लिया। डॉक्टर के परिजनों ने आनंद फानन में 112 नंबर में पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने डॉक्टर की पत्नी की तहरीर पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया और पुलिस अपहरणकर्ताओं की तलाश में जुट गई। अमरोहा से संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। यहाँ से कब से आप अमरोहा जिले जनपद में कब से रहना शुरू किया था? कब से आया था? 25 साल हो गए। तो जो डॉक्टर साहब की क्या किसी बात को लेकर विवाद रहता था किसी चीज से? ना कुछ नहीं। क्या कभी फोन कभी लड़ाई झगड़ा नहीं है? क्या घटना क्रम हुआ कल, क्या सर पता चला आपको? मैं बाहर खड़ी थी। कहाँ? अच्छा, तो मैं इधर मुंह करके खड़ी थी तो आके देखा एक गाड़ी आके धीरे धीरे रोका हुआ और एक पुलिस वाला मतलब बोर्डी वाला आके नीचे गाड़ी से निकाल के अंदर आते आते कह रहे डॉक्टर कहा तो कह रही है मैं हूँ डॉक्टर, तो कह रहे चलो साहब बुला रही है। कौन साहब बुला रही है? गाड़ी में कोई होगा, ये साहब बुला रही है, ये बात मुझे वही मरीज वाला आदमी बताया। तो कह रही है बोतल चढ़ा लो फिर मैं सुनता हूँ। कह रही पहले सुन लो फिर चढ़ानी हो, तो चले गई वहाँ। तो धीरे धीरे उधर खड़ी थी गाड़ी, धीरे धीरे वहाँ ले गई। ऐसे कहा होगा बैठ जाओ गाड़ी में, बैठ ना रही। आगे वाला खोल दिया तो बैठा ना, फिर पीछे वाला दरवाजा खोल दिया तो भी बैठ ना रही, फिर ऐसे धकेल के बैठा रही, चल बैठ। लोगों ने दुकान पर कितने समय तक रुकी गाड़ी? बिल्कुल भी एक मिनट हम यहाँ से देखते नहीं, नीचे जाते जाते गाड़ी बंद। क्या कहा मतलब क्या लगा था आपको? कोई पुलिस की वर्दी में था क्या? हाँ पुलिस की वर्दी में था। एक बंदा था कितने देर? एक ही था पुलिस की वर्दी में। आपने देख लिया था वो? हाँ देख लिया था। कि पुलिस की वर्दी में हमने तो ऊपर से देख रहे थे ना उस टाइम। पुलिस की वर्दी में दरोगा था या फिर सिपाही था? ये नहीं पता, बस बोर्डी बोर्डी था। फिर आपने क्या सोचा? फिर हम जैसे ऐसे करके बैठा ना, तो ऐसे ढकेल के बैठाया, तब मैंने अपने बच्चों से बताया, बताने के बाद चले गए हम तीनों सारे नीचे। नीचे जाके हम एकदम गाड़ी के वहाँ पहुँच गए। पहुँच के हमने वो करा जैसे कर शीशा वीशा सब बंद कर दिया, तो हमने खोलने की कोशिश करा, आवाज़ दे रही आवाज़ नहीं जा रही अंदर, बंद है सब पूरा शीशा वीशा सब। तो मैंने अपनी लड़की से कहा फ़ोन ले गए और तो ले लें मोबाइल को, मतलब इतने घंटा करूँगा। बाद में फोटो कहा आपने? पहले तो हम आवाज ही लगा जा रहे थे, सुना ही ना आ रही है। फिर मैंने गेट खोल लिया तो फिर चला गया चला। तो इनकी कोई संपत्ति भी है क्या जो अभी प्रॉपर्टी का मामला था, कुछ ऐसा कोई विवाद चल रहा हो? विवाद नहीं चल रही है, वैसे तो छोटी जमीन है। जमीन है, फ्लैटिंग का चल रहा है मामला? मामला कुछ नहीं चल रही, वो बहुत पुरानी खरीद के रख लिया। तो क्या तो क्या लग कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं है? यानी तो उन्हें खुद ही नहीं पता था ये होने वाला है। अगर एक पता होता थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा होता तो क्या वो जाते गाड़ी के पास? राहुल शर्मा। तो फिर इसके बाद आपने क्या किया जब उन्हें यहाँ से ले गए? तो ले गए हमने थोड़ी दूर तक गए, तो हमने फिर हाथ नहीं आया, फिर
वाले वाले फिर उनके बाद फोन भी लगा उनको दो तीन बार बता दूंगा आदमी। सौ नंबर में कितने बार फोन लगा? क्या नंबर लगाया था आपने? 112 नंबर मैंने लगाया था। चलो चार बार तो लगा ही नहीं था। कितनी देर बाद शोर शराबा किया आपने यहाँ पे? हाँ तो शोर करा था। अच्छा तो करते करते निकाल गए ना, फिर हमने शोर छोड़ के फोन पे लग गए। तो किधर की और कोई गाड़ी किधर? किस समय घटना लग हुई है? 9 बजे से पहले। 8:30 8:30 के बाद 9 बजे से पहले इसी से। तो इसकी शिकायत आपने पुलिस से की या नहीं की? कर दिया। क्या अपन के साथ अपन लग रहा है? आपको क्या लग रहा है? अपहरण ही है, जबरदस्ती बैठा के ले गए। तो तुम चुम चुम चलते क्या चाहते हो? क्या चाहते हो सरकार सरकार से? क्या कार्रवाई? 12 घंटे ज्यादा समय बीत गया। FIR हो गई भी नहीं? वो तो रात हो गई। अपहरण का मामला सामने आया, क्या सर मामले? थाना देहात क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर को कुछ लोग अपने साथ कार में ले गए हैं, जिन पर की परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आगे जांच कर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.